हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज मानसी रोय। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हॉब्स के थॉट्स पर। ओके, सो उनके थॉट्स किस तरीके से थे, उनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट मेन जो थ्योरी है वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। सो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, हॉब्स की हम यहाँ पे बात करें तो थोड़ा सा पहले लाइफ हिस्ट्री इनकी देख लेते हैं। उनका जो बर्थ है वो 1588 ईस्वी में हुआ था, मेंसवेरी के पास वेस्टपोर्ट में इनका बर्थ हुआ था। ठीक है, उनके जो फादर थे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाले थे, अग्रेशन उनमें काफ़ी ज़्यादा था, किसी को भी कुछ भी उल्टा बोल दिया करते थे। ठीक है, बिना बात का गुस्सा कर दिया करते थे। कई बार जो चर्च के फादर होते थे वो उन्हें निकाल दिया करते थे, चर्च से भी निकाल देते थे, कई बार उन्हें शहर से भी भागना पड़ता था अपने बच्चों के साथ। इसी तरीके के इन्वायरमेंट से उनकी जो सोच है वो बनती जाती है। ठीक है, अब इनके वर्क्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो इनके एक वर्क है जो कि इन्होंने लिखा है 1642 में, इन्होंने लिखा था, इसका नाम है डी सेवे। ठीक है, इसके बाद आता है एलिमेंट्स ऑफ लॉ, 1650 में आई थी ये। इसके बाद लेवियाथन 1650 में, लेवियाथन का मतलब होता है सॉवरेनिटी। इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होता है लेवियाथन क्या मतलब होता है, ये इनका सबसे इंपॉर्टेंट ये बुक मानी जाती है जिसका नाम है लेवियाथन, और ये इसको ये क्या दर्शाता है, सॉवरेनिटी को दर्शाता है। ठीक है, इसके बाद डी कॉर्पोर, इसके बाद डी हुमायूं, ये कुछ इंपॉर्टेंट इनकी बुक्स है, ज़्यादातर लेवियाथन ही जो है चर्चा में रहती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इन्फ्लुएंस किन से होती है। चलो अब बात करते हैं वो किन से इन्फ्लुएंस हो रहे थे सबसे ज़्यादा, उनकी जो सोच है वो किस वजह से इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा होगी। सबसे पहले तो साइंस के डेवलपमेंट से सबसे ज़्यादा वो प्रभावित हो रहे थे। ठीक है, उसके बाद वो जो इंग्लैंड में सिविल वॉर चल रहा था, गृह युद्ध चल रहा था, आपस में ही लड़ाई हो रही थी बहुत ज़्यादा। ठीक है, लोग भी आपस में लड़ रहे थे, एक दूसरे की आइडियोलॉजीज जो है वो टकरा रही थी, बहुत ज़्यादा एक अनार्ची जो है वहाँ पे फैल रहा था, जिसकी वजह से उनकी जो सोच है वो नेगेटिव होती गई। मैकियावेली के थॉट्स में भी हमने सेम चीज़ पढ़ी थी। ठीक है, और आज हम इनके थॉट्स में भी हम सेम चीज़ पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से इनकी सोच बनती जा रही है, जो जो उनके जहाँ जहाँ ये लोग रह रहे हैं, ठीक है, जिस तरीके से एक्सपीरियंस इनका रह रहा है वो नेगेटिव बहुत ज़्यादा है ह्यूमंस को लेकर। ठीक है, जिसकी वजह से इनकी थिंकिंग जो है वो नेगेटिव होती जा रही है। तीसरा है, हॉब्स जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल कर किया करते थे, उनके जो कनेक्शंस है, कनेक्टिविटी थी, काफ़ी लोगों से रहते थे, जिसकी वजह से उनकी जो सोच है वो इन्फ्लुएंस होती जा रही थी। ठीक है, चलिए अब हम इनके मेन थॉट्स पर बात करेंगे। इनकी जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी थी वो किस तरीके से थी, क्या वो बात बोल रहे हैं इसमें, अब हम वो समझेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है ह्यूमन नेचर। देखो, हॉब्स जो इंग्लैंड में देख रहे थे, सिविल वॉर देख रहे थे, ठीक है, वो कॉन्टिन्यूस क्या चीज़ देख रही थी कि ह्यूमन जो है वो देखो आपस में बहुत ज़्यादा लड़ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा स्वार्थी होता है इंसान, बहुत ही ज़्यादा झगड़ालू होता है, नीच होता है, नीच तक बोल दिया उन्होंने, दुष्ट भी बोल दिया। ठीक है, सेल्फ सेंटर्ड हमेशा रहता है, ये सिर्फ खुद के बारे में ही सोचेगा, ये किसी दूसरे के बारे में नहीं सोच सकता, ये है मानव। तो उनके अकॉर्डिंग पूरा जो ब्रह्मांड है वो एक मशीन है, जिसका जो निर्माण है किस लिए हुआ, उन पुर्जों से हुआ, ठीक है, उन औज़ारों से हुआ है जो एक रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो ह्यूमंस जो है वो इसी ब्रह्मांड का एक छोटा सा रूप होता है, वो भी एक मशीन की तरह ही होता है। ठीक है, तो वो यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जिस नियम की वो बात करें उसकी खोज करना ही हॉब्स का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, हॉब्स क्या मानते हैं कि ह्यूमन जो होते हैं वो फेलिसिटी प्राप्त करना चाहते हैं, फेलिसिटी लेना चाहते हैं, फेलिसिटी मतलब होता है आनंद, खुशी। समय समय पर अपनी डिज़ायर्स को वो बदलते रहते हैं, उन्हें जिस चीज़ में खुशी मिलती है वहीं चले जाते हैं, फिर चाहे उनका जो आत्मसम्मान है वो पूरी तरीके से टूट भी क्यों ना जाए। तो जिन साधनों से वो अपनी डिज़ायर्स पूरी कर सकते हैं, अपनी इच्छाएं को बहुत अच्छे से पूरी कर सकते हैं और आनंद उन्हें मिल सकता है, फेलिसिटी वो ले सकते हैं, उन साधनों को ही पावर कहते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन जो होते हैं वो सिर्फ पावर के पीछे ही भागता है, इसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, सो सबसे पहले पॉइंट में वो ये बात बोले। सेकंड जो पॉइंट आता है वो है स्टेट ऑफ नेचर। नेक्स्ट, जब स्टेट ऑफ नेचर की वो यहाँ पे बात करें तो हॉब्स जो है स्टेट के ओरिजिन होने से पहले की जो स्थिति चल रही होती है, जो कंडीशन होती है, उन्हें वो प्राकृतिक दशा का नाम देते हैं, यानी कि स्टेट ऑफ नेचर का नाम देते हैं। ठीक है, उसने ह्यूमन नेचर को जो वो बताते हैं, उसके ह्यूमन नेचर के सिलसिले में जब वो बात करते हैं कि जो ह्यूमंस होते हैं बहुत ज़्यादा स्वार्थी होते हैं, घमंडी होते हैं, ठीक है, कभी भी वो स्ट्रगल नहीं करना चाहते, वो सिर्फ अपनी खुशी पाना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए वो सबसे ज़्यादा वो क्या करते हैं, यहाँ पे वो क्या करते हैं, उनकी इन
उनके इसी बिहेवियर की वजह से अनार्की रहती है, यानी अराजकता रहती है, जिस अराजकता को ख़त्म करने के लिए वो आपस में ही समझौता करना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है नेचुरल राइट्स एंड नेचुरल लॉ। देखो हॉब्स के अकॉर्डिंग प्राकृतिक अधिकार में प्राकृतिक अधिकार को वो क्या मानते हैं, ठीक है, नेचुरल राइट को वो लाइफ को बचाने के, यानी कि लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए ह्यूमंस को कोई भी काम करने की स्वतंत्रता, यानी फ्रीडम होना, ठीक है, अपनी जान को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, विच मीन्स नेगेटिव फ्रीडम। तो वो नेगेटिव फ्रीडम से ही नेचुरल राइट को जोड़ रहे हैं यहाँ पे। तो वो अपनी लाइफ को बनाए रखने के लिए किसी को लूटना, पीटना, जान से मार डालने की स्वतंत्रता भी होना यहाँ पे मंजूर कर रहे हैं। तो वो अपने जीवन को बनाए रखने के लिए किसी भी तरीके के कर्म काम कर सकते, गलत काम कर सकते हैं, ठीक है, विच मीन्स टाइगर राइट, जिस तरीके से TH हक्सले ने कहा है कि टाइगर राइट को ही हॉब्स जो है नेचुरल राइट मान रहे हैं ह्यूमंस के लिए, ओके। अब हॉब्स के अकॉर्डिंग नेचुरल राइट और नेचुरल लॉज में एक डिफरेंस आता है। नेचुरल राइट का मतलब होता है हर एक ह्यूमन को अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी जान को बचाने के लिए कुछ ज़रूरी काम करने की जो है यहाँ पे स्वतंत्रता होना, ठीक है, यहाँ पे वो हिपोक्रेट वाली बात फिर से बोल रहे हैं वो। इसके अलावा जब हम यहाँ पे बात करें हैं प्राकृतिक अधिकार की, ठीक है, इसके अलावा जब वो नेचुरल लॉज की बात करते हैं तो इसका वो कंपैरिजन किस चीज़ से कर रहे हैं, इसकी तुलना किस चीज़ से कर रहे हैं, वो ड्यूटीज से, ठीक है। तो अपनी जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो उनकी बुक है लेवियाथन, जिसका मतलब मैंने आपको बता दिया सॉवरेनिटी, उसमें वो अलग अलग 19 तरीके के प्राकृतिक कानून वो उन्होंने गिनाए हैं, ठीक है, जो मेन है वो तीन है, तीन इम्पॉर्टेंट नेचुरल लॉज उन्होंने बताए। सबसे पहले तो कि हर एक ह्यूमन जो है वो पीस की खोज करे, यानी शांति खोज करे और शांति से रहे, यानी कि शांति स्थापना से ही वो हर चीज़ को पाने में सफल हो सकता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा बताते हैं कि कानून ये है कि सब ह्यूमन अपने नेचुरल राइट्स को त्याग दे, सैक्रिफाइस कर दे इस चीज़। इसके लिए क्या ज़रूरी है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वो बनाने की यहाँ पे कोशिश करे और अपने जो राइट्स है, जो नेचुरल राइट्स है, उसे त्याग दे, ठीक है। थर्ड लॉ में वो क्या बात करते हैं कि ह्यूमन को अपने वचन का पालन करना चाहिए, यानी कि वो जो भी वचन देता है उसका वो सही तरीके से पालन करे, ठीक है। अब बात उठती है कॉजेज ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण। सबसे पहले तो जब प्राकृतिक अवस्था की बात हो रही है, इनकी स्टेट ऑफ नेचर में क्या होता है, सबसे ज़्यादा अशांति थी, वॉयलेंस ज़्यादा था, वॉर थी, नफरत थी, और ये है कि लोगों में एक दूसरे में ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा, इस तरीके का वहाँ पे एटमॉस्फेयर हुआ करता था। तो ऐसी सिचुएशन में क्या था कि एक सोवरन पावर की यहाँ पे ज़रूरत महसूस होने लगी, ठीक है, इसके इस्टेब्लिशमेंट होना ज़रूरी दिखने लगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात हो रही है कि स्टेट ऑफ नेचर में जो नेचुरल लॉज होते हैं वो तो थे, पर इन कानूनों को ठीक से ना डिटरमाइन नहीं किया जा रहा था, यानी कि अच्छे से लागू नहीं हो पा रहा था, अच्छे से लोग इसे फॉलो नहीं कर रहे थे। तो एक ऐसी सत्ता, एक ऐसा रूलर वहाँ पे नहीं था जो कि इन लॉज के बारे में लोगों को बता सके और अच्छे से पालन करवा सके। तीसरा, स्टेट ऑफ नेचर में नेचुरल लॉज का पालन कराने वाली कोई सत्ता नहीं थी, ठीक है, जो कि सेकेंड पॉइंट में यहाँ पे लगभग यही बात बोलने की कोशिश की गई, ठीक है। फोर्थ यहाँ पे बात हो रही है कि जो नेचुरल लॉज थे उसका पालन लगातार तभी हो सकता था जब उनका उल्लंघन करने वालों को सज़ा दी जाए, यानी कि जो पालन ना करे उसे सज़ा देना यहाँ पे बहुत ज़रूरी यहाँ पे उन्होंने बताया है, एक सॉवरन सत्ता की वो यहाँ पे बात करें, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है ऑरिजिन ऑफ द स्टेट थ्रू सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब जो है स्टेट आया सामने, ऑरिजिन हुआ स्टेट का, तो अब क्या कहते हैं कि प्राकृतिक जो अराजक वहाँ पे सिचुएशन थी उस वक्त, जो स्टेट ऑफ नेचर में जो अराजकता थी, जो नारकी थी सबसे ज़्यादा, उसमें क्या हुआ, उससे छुटकारा पाने के ऑब्जेक्टिव से हॉब्स के अकॉर्डिंग ह्यूमंस ने आपस में एक समझौता किया, एक कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, उस अराजक जो स्थिति उस वक्त बनी हुई थी उसको ख़त्म करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया, यानी कि वो नफरत भरी दुनिया, यानी कि नफरत भरे बोल, स्वार्थ, उन सभी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि हर एक इंडिविजुअल जो है वो क्या शपथ लेगा कि मैं इस इंडिविजुअल को या इस इंडिविजुअल ग्रुप को इस शर्त पर अपना राइट दे देता हूँ कि और अपने पर शासन करने का, अपने पर रूल करने का राइट जो है त्याग करता हूँ, कि तू भी अपने राइट
इसी तरीके से किसी दूसरे को देगा और रूल करने का जो अधिकार है वो छोड़ देगा। ठीक है, सीधी सी बात बोलना चाह रहे हो, यानी कि आप अपने राइट छोड़ दो, आप खुद पर रूल नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। सो इस तरीके से जो है स्टेट का ओरिजिन हुआ कि सभी अपने राइट्स को त्याग देंगे और खुद पर राज करने का सपना वो पूरी तरीके से भूल जाएंगे। ओके, अब क्रिटिसिज्म पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो क्रिटिक्स का क्या मानना है कि जो उन्होंने ह्यूमन नेचर की बात की है वो वन साइड थ्योरी इन्होंने सेम रखी, जैसे कि मैकियावेली ने किया था वैसे ही इन्होंने भी कर दिया कि हॉब्स ने ह्यूमन नेचर की सिर्फ गलतियाँ बता दी, सिर्फ बुराइयाँ बता दी कि बुरा होता है, लालची, लोभी, नीच, दुष्ट, पापी, हर तरीके की गंदी तरीके की बातें उन्होंने बोल दी है। कुछ भी अच्छी बात वो नहीं बोलना चाहते, ऑल दो ह्यूमन्स अगर बुरा है तो अच्छे भी होते हैं, वरना किसी का भी रहना, सर्वाइव करना इजी नहीं हो जाता, मुश्किल हो जाएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, नामुमकिन हो जाएगा। नेक्स्ट उन्होंने बताया है कि जो जो स्टेट ऑफ नेचर है, यानी कि जो स्टेट आया उससे पहले की जो कंडीशन थी, जो सिचुएशन है उस वक्त थी, वो पूरी तरीके से नेचुरल ही नहीं है। वो जो बात बोल रहे हैं इमेजिनरी थियरी है इनकी, ठीक है, ऑल दो सभी की इमेजिनरी थियरी है। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा अराजकता थी, अनार्की थी, जिसकी वजह से आपस में लड़ाइयाँ होती थी। ठीक है, छल, कपट, सत्ता हड़पने की चीज़ें थी। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि क्रिटिक्स क्या कहते हैं कि यहाँ पर जो भी चीज़ें वो बोल रहे हैं वो नेचुरल नहीं हो सकता, क्योंकि वो हर चीज़ में बुराई ढूंढने का काम कर रहे हैं। क्रिटिक्स का क्या मानना है कि कोई लॉजिक नहीं है इनकी थियरी में, कुछ भी लॉजिक नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि वो क्या कहते हैं कि जब स्टेट के ओरिजिन होने से पहले, जो मतलब कि जब इंसान सबसे पहले था ना, उस वक्त क्या रहते थे ह्यूमंस, बहुत अच्छे से रहते थे, यानी कि जो सोशल लाइफ जीना जानते थे। ठीक है, उन्हें कोई किसी भी चीज़ का मोह माया नहीं था। ठीक है, भौतिक जीवन का उनको कोई लालच नहीं था। तो ये सारी चीज़ें एक कोई भी लॉजिक इनकी थियरी पर नज़र नहीं आता है। निरंकुशता का समर्थन कर रहे हैं वो। ठीक है, यानी कि एक सॉवरन रूलर की यहाँ पे बात कर रहे हैं वो, कि ऐसी सत्ता होनी चाहिए जो राज करे लोगों पर और लोग क्या करें, अपने राइट्स जो है वो त्याग दे और खुद पर वो राज ना करे, लेकिन जो रूलर होगा वो लोगों पर अच्छे से राज करे, अपने डिसीजन उन पर थोपे और कड़ी से कड़ी सजा दे कोई छोटी सी गलती भी कर देता है तो। सो फ्रेंड्स, ये है इनकी थियोरी, सोशल कॉन्टेक्ट थियोरी, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इनकी कोई भी ऐसी थियोरी नहीं है जो बहुत ज़्यादा अपर लेवल की हो, जो इंपॉर्टेंट हम उसी को लेंगे क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है। ऑलराइट, सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ईजी था और आपने ज़रूर इसे पढ़ा भी होगा। तो कोई भी डाउट है तो आप मुझसे ज़रूर शेयर करें, साथ ही साथ कोई सजेशन है वो भी आप मुझे ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।